हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है बलराम। तो आज हम सीखेंगे हाउ टू इंस्टॉल जावा इक्लिप्स इन विंडोज 7। तो यहाँ पर हम चलेंगे, पहले तो अपने गूगल पे आ जाते हैं। गूगल पे सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डाउनलोड JDK, और यहाँ से आपको ओरेकल के साइट से जावा डेवलपमेंट किट है वो डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे वर्जन है, कोई सा भी वर्ज़न आप यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर डाउनलोड करूँगा जावा SE 14 वर्ज़न। तो यहाँ पर आ जाते हैं, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पे लिंक हैं, आप अपने सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये वाला जो वर्ज़न है इसको यहाँ पे करूँगा डाउनलोड। यहाँ पे इसे चेक करेंगे और डाउनलोड लिंक पे क्लिक करेंगे तो इसका डाउनलोड जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा डाउनलोडिंग। और करीब ये 162 MB का फाइल है और थोड़ी देर में डाउनलोड हो जाएगा। और डाउनलोड होने के बाद हम इसे करेंगे इंस्टॉल। तो यहाँ पर देखिए डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर अब हमारा डाउनलोड फिनिश हो चुका है, तो अब हम इसे इंस्टॉल करेंगे। तो अभी ये मेरा जो सी ड्राइव है ये करीब स्पेस इसमें सफिशियंट स्पेस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये जो JDK 14.0.1 है विंडो इंस्टॉलर, ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा इंस्टॉलेशन है, कुछ भी बहुत ज़्यादा इसमें टेक्निकल नहीं करना है। बस आपको सिर्फ नेक्स्ट बटन पर ऑप्शन को पढ़ना है और आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। तो नेक्स्ट पे आ गए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस ड्राइव में इंस्टॉल होगा, ड्राइव का नाम। अब यहाँ से इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है इसका। तो पहले हम ये इंस्टॉल कर लेते हैं एंड देन उसके बाद मैं आपको इक्लिप्स का इंस्टॉलेशन बताऊंगा। अब यहाँ पे आपको इसे क्या करना है, अगर आप देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको डॉक्यूमेंटेशन दिखाएगा। डॉक्यूमेंटेशन में तो एक ट्यूटोरियल होगा आपका यहाँ पे लर्निंग के लिए पर्पज़ से, आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं जो कि इस JDK में इनबिल्ट आता है डॉक्यूमेंटेशन। तो हमें वो नहीं करना है, सिंपली हम क्लोज कर देंगे। अब हमारा ये इंस्टॉल हो चुका है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से चलेंगे ब्राउज़र में। अब बारी आ जाती है कि इक्लिप्स जो है IDE इसको कैसे हम इंस्टॉल करेंगे। तो बेसिकली एक तरह का एडिटर है जहाँ पे हम आसानी से कोड को लिख सकते हैं। नोटपैड में आप लिखते थे तो वो बड़ा टफ हो जाता था, तो इसी वजह से हम जैसे विजुअल स्टूडियो यूज़ करते हैं उसी तरीके से इक्लिप्स है जावा प्रोग्रामिंग के लिए। तो अब यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे, सिंपली डाउनलोड पर क्लिक किया, अब इसका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे अपना सिस्टम देख लीजिए, 64 बिट 32 बिट, उस हिसाब से अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो ये डाउनलोडिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे भी क्लिक करना है, ओके। अभी यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है इक्लिप्स का। इक्लिप्स भी करीब 50 MB के आसपास है, आई थिंक ये इंस्टॉलर है 50 MB का। और जब आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो जब इंस्टॉल होना स्टार्ट करेगा तो ये मे बी एक्सपेंड हो जाएगा। तो अभी ये डाउनलोड हो रहा है, यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। तो याद आते हैं, हमें मिला है एक जिप फाइल। अब इस जिप फाइल को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो आपको इस पर सिंपली एक्सट्रैक्ट करना है, डबल क्लिक करेंगे तो आपको ये पूछ रहा है कि वर्क प्लेस आप कहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हैं, या फिर जो भी वर्क प्लेस का मतलब ये है कि जब आप उस पर काम करेंगे तो कौन से फोल्डर में आपका सारा रिकॉर्ड जाएगा। तो मैंने एक फोल्डर बना रखा है ड्राइव में, तो मैंने कहा जो भी मैं फाइलें क्रिएट करूँ वो कहाँ जाए, इस पर्टिकुलर फाइल में जाए, ठीक है। तो मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। तो जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो आपसे वर्क प्लेस पूछेगा, ओके। तो ये है आपका इक्लिप्स IDE, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको कई सारे ऑप्शन दिखा रहे हैं। बेसिकली ये स्टार्टअप पेज है, ठीक है। तो आप इसे क्लोज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आप इसे मैक्सिमाइज कर देंगे। अब यहाँ से ये स्टार्टअप पेज है, वेलकम पेज है। आप इसको चाहे तो क्लोज कर सकते हो, नहीं तो नीचे वाला जो ऑप्शन है आप इस पर आ सकते हो। तो नीचे वाले जब आप ऑप्शन पे आओगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इस पर फिर से क्लिक करेंगे, इसे क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको दी गई हैं, क्रिएट न्यू जावा वेब प्रोजेक्ट, और भी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जावा के बारे में, इक्लिप्स के बारे में। आप इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हो आपकी ज़रूरत के हिसाब से। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें एक छोटा सा यहाँ पे प्रोग्राम क्रिएट करना है जावा में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ऑलवेज शो वेलकम स्टार्ट। जब भी आप इक्लिप्स आप ओपन करें तो आपको ये पेज हमेशा शो हो। तो अगर आप इसे चेक कर देंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, पर मैं इसे चेक नहीं करने वाला हूँ। तो मैं इसे सिंपली यहाँ से क्लोज कर दूंगा। अब ये है आपका इक्लिप्स, ओके। तो अभी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह का एप्लीकेशन आप बनाना चाहते हैं, आप यहाँ से अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है तो इसे सिंपली क्रिएट ए प्रोजेक्ट। अभी क्या करेंगे, अभी विजार्ड में जाते हैं तो टाइप यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जावा का प्रोजेक्ट का जो भी नाम है, यहाँ पे जावा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है, तो प्रोजेक्ट का नाम हम बेसिकली दे देते हैं हेलो वर्ल्ड करके, ओके। तो नीचे आपको लोकेशन दिखा रहा है कि किस लोकेशन पे ये जा रहा है। तो ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम हो गया, और इसमें बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक करना नहीं है।
सारे ऑप्शन डिफॉल्ट ही रहने दीजिए, और सिंपली आपको फिनिश पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जो आपका प्रोजेक्ट है हेलो वर्ल्ड, ये आपका क्रिएट हो रहा है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं एक फोल्डर बना हेलो वर्ल्ड के नाम से। अब इस फोल्डर के अंदर आपको मिला SRC, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है सब कुछ परफेक्ट है, कुछ नहीं करना, आपको फिनिश पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे कह रहा है मॉड्यूल का नाम, तो मैंने कहा मॉड्यूल का नाम भी हेलो वर्ल्ड, तो ये भी क्रिएट कर लीजिए। फिर कह रहा है ओपन प्रॉपर्टीज, ओके, तो आप इसे ओपन कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने इसे ऐप ओपन किया तो आपके सामने ये हेलो वर्ल्ड जो था आपका, यहाँ पे एक मॉड्यूल ओपन होके आ गया जहाँ पे आप अपना कोड यहाँ पे लिख सकते हो। बट अभी हम कोड नहीं करेंगे, अभी हम क्या करेंगे SRC पे चलेंगे, ठीक है। ये मॉड्यूल इन्फो यहाँ पर आपको दिख रहा है, अब इसके अंदर आपको जावा वर्ड दिख रहा है, ठीक है, हेलो वर्ड दिख रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, SRC जो आप देख रहे हो, एक मिनट, इसको हम यहाँ पे SRC आप देख रहे हो ना, इस पर करेंगे राइट क्लिक। यहाँ पे इस फोल्डर के ऊपर आपको करना है राइट क्लिक, और यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें एक पैकेज बनाना है। पैकेज का मतलब है फोल्डर हम क्रिएट करेंगे, मतलब हेलो वर्ल्ड के अंदर हम फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं। मैंने कहा पहला दिन है, जब फर्स्ट डे, ट्यूटोरियल 1 या 2 जो भी आप दे सकते हो, पार्ट 1 2 कुछ कुछ भी कर सकते हो। तो हम पैकेज बना रहे हैं, तो हमारा मेन फोल्डर होगा हेलो वर्ल्ड, और उसके अंदर होगा एक सब फोल्डर जिसका नाम होगा डे 1, ठीक है, डे 1 एग्जाम्पल। अब इस डे 1 एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, इसमें अब हम पहले दिन में हमने क्या सीखा जावा में, तो जो भी आप टास्क करोगे तो वो आप इस फोल्डर के अंदर आप यहाँ पे डे 1 में कर सकते हो। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम चलेंगे अपने उस लोकेशन पे, चलेंगे ई ड्राइव में लर्न जावा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड एक फोल्डर था, अब इस फोल्डर के अंदर SRC के अंदर आप आओगे तो आपको मिलेगा डे 1 करके, मैंने अभी जो फोल्डर बनाया था। अब डे 1 के अंदर क्या है, एग्जाम्पल, ठीक है। तो डे 1 डॉट एग्जाम्पल का मतलब एक फोल्डर होगा डे 1 और उसके अंदर एक फोल्डर होगा एग्जाम्पल। अभी हम क्या करेंगे, इस पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, क्लास क्रिएट करेंगे। क्लास का नाम मैंने दे दिया माई फर्स्ट क्लास, ठीक है। अब उसके बाद ये क्लास हो गया, अब इस क्लास को हम यहाँ पे सिंपली क्रिएट कर लेंगे। आपको यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में चाहता हूँ कि इनबिल्ट लिख के आए, तो ये ऑटोमेटिकली जब भी आप क्लास ऐड करोगे या जब ये क्लास ओपन होगा तो उसमें इनबिल्ट वो लाइन मेंशन रहेगी, ठीक है। तो वो मैंने कर दिया, आप देख सकते हो यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक जो मेन फंक्शन है वो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिलेगा, ओके। अब आपको क्या करना है, सिंपल अगर आपको नाम प्रिंट करना है या हेलो वर्ड प्रिंट करना है तो सिंपल आपको लिखना है स्टैटिक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, प्रिंट एलन। तो ये सब सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर दो। यहाँ पे मिलेगा सिस्टम डॉट आउट और क्या लिखना है यहाँ पे डॉट प्रिंट एलन या प्रिंट, और इसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं जो सजेशन है वो काफ़ी सारे सजेशन आपको मिल रहे हैं। जैसे कि अगर आपने विजुअल स्टूडियो में काम किया है तो सेम यहाँ पर भी आपको इस तरीके का जो फील है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप स्ट्रिंग में जो भी आप देना चाहते हो, हेलो वर्ड देना चाहते हो, तो आप हेलो वर्ड यहाँ पर लिख सकते हैं, और ये जब आप इसे रन करोगे तो आपको आउटपुट में नीचे कंसोल में दिखेगा। तो अभी ये हमारा कोड हो गया, अब इसे सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो रन का कमांड है और आपको इसे ओके पे क्लिक करना है, और आपको यहीं पर नीचे की साइड में आउटपुट एरिया में आपको यहाँ पे नीचे जो भी आपने दिया था वो आपको प्रिंट होके दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आउटपुट दिख रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा है। अगर आप जो जो ट्रेडिशनल जो मेथड है जब आप नोट पैड पर लिख के सेव करते हैं और CMD के थ्रू रन करते हैं, तो उससे ये बेटर है। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें आपको इजीली मिल जाती हैं, तो यहाँ से आप इसे रन कर सकते हैं। और भी कई सारे ऑप्शंस हैं कंपाइल के, डिबगिंग के, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से भी आप रन कर सकते हैं, डिबग पे आएंगे तो तरह तरह के ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं, आप अपने कोड को रन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपने देखा प्रिंट थी, अभी मैंने लिखा प्रिंट एलन, तो अब ये क्या होगा, ये प्रिंट करेगा और एक न्यू लाइन यहाँ पे जनरेट कर देगा। और यहाँ पर आप चाहो तो आप अपना स्टेटमेंट चेंज कर सकते हो सिंपल। तो ये एक फंडा है, ये सारी चीज़ें आप इंस्टॉल करके अपने सिस्टम में रखिए, फिर जब भी मैं इस पर ट्यूटोरियल स्टार्ट करूँगा तो आपको इक्लिप्स का यूज़ करना पड़ेगा, तो वो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने जो भी दिया है वो आपको आउटपुट एज आउटपुट आपको यहाँ पर मिल रहा है, और अगर आप यहाँ पर एडिशन भी करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पर सिंपल मैंने 3 वेरिएबल बना दिए और उसमें वैल्यू असाइन कर दिया, और फिर यहाँ पर लास्ट जो रिजल्टिंग वेरिएबल था उसको मैं प्रिंट किया। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आउटपुट अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर देखो 35, ठीक है। तो 35 आपको यहाँ पे इस तरीके से जावा के प्रोग्राम आप आसानी से यहाँ पे रन कर सकते हो। तो ये था एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन कि कैसे हमें जावा इंस्टॉल करना है, इक्लिप्स इंस्टॉल करना है, और इक्लिप्स पे कैसे हमें काम करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फोल्डर के अंदर आएंगे, SRC डे 1 के अंदर, एग्जाम्पल 1 के अंदर मैंने एक क्लास बनाया था माई फर्स्ट जावा, और अगर आप इसे ओपन करोगे नोट पैड में, या फिर नोट पैड में ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पे नोट पैड मैंने ओपन किया,
ये क्या है, इसको डिलीट करेंगे। अब ये फाइल को सिर्फली आपको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देना है, तो जो भी कोड आपने लिखा था वो आपको यहाँ पे सीधे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये एक तरीका था कि जावा का प्रोग्राम रन करने के लिए। और जो बेसिकली फोल्डरिंग था वो पैकेज, जो मैंने पैकेज का मतलब क्या होता है, फोल्डर, मतलब फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, आप फोल्डर अरेंज करते जा रहे हो। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम आपको कुछ और चीज़ें बताएंगे। टेक केयर, बाय बाय।